बीएसटीसी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है दोस्तों। अब आपके चौथे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और जिसका आपको इंतजार था कॉलेज चॉइस करने का, तो आपको अब वो मौका मिल चुका है। अब आप यहां पर कॉलेज चॉइस कर सकते हो। आपको यहां पर दोस्तों किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, किस प्रकार से कॉलेज महाविद्यालय चयन करना है, संपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों आप इस चैनल पर नए या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बीएसटीसी की संपूर्ण अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास ही बने इस बेल बटन पर प्लीज करके क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन संबंधित अपडेट आएगी बीएसटीसी की, सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इस बेल बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण अपडेट अपने मोबाइल पर मिल सकेगी। चौथे राउंड की संपूर्ण अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। क्या इसकी कटअप रहेगी, संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ तो दोस्तों जो नई अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिए 11 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक की डेट रखी गई है। डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन फीस की जो डेट है वो 14 अक्टूबर तक रखी गई है और चॉइस फिल करने जो ऑप्शन है वो 15 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ 15 अक्टूबर को आप अपनी यहाँ चॉइस लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं संपूर्ण में आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर कॉलेज चॉइस, यहाँ पर आप दोस्तों क्लिक करके अपनी कॉलेज चॉइस कर सकते हो। और यहाँ पर नीचे की तरफ है चेक चालान ट्रांजेक्शन स्टेटस, जो कि आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर आप चालान स्टेटस जो है चेक कर सकते हो। फील कॉलेज चॉइस, यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी कॉलेज चॉइस फील कर सकते हो। अपडेट कॉलेज चॉइस, आप कुछ यहाँ पर कॉलेज में परिवर्तन करना चाहते हो तो यहाँ अपडेट पर क्लिक करके वापस अपडेट कर सकते हो। और लॉक कॉलेज चॉइस करने के बाद आपको आपकी कॉलेज चॉइस लॉक हो जाएगी, उसके बाद में आप यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हो। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन है। यहाँ पर दोस्तों आप नोटिफिकेशन क्लिक करोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, जहाँ पर बहुत 3-4 कॉलेजों के अंदर बदलाव किया गया है, 3-4 कॉलेज ऐड की गई है। तो आप इन कॉलेज को एक बार अवश्य ही चूज कीजिएगा अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से हो तो, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले, आपको यहाँ पर कॉलेज चॉइस मिल जाएगी। इसकी कटअप क्या रहेगी, इसके लिए मैं एक शाम तक एक सटीक वीडियो बना दूंगा क्या कटअप रहेगी चौथे राउंड काउंसलिंग के लिए। तो शाम तक का जरूर वेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो जहाँ पर लिखा है कि राज्य के निम्नलिखित की मान्यता संबंधित निजी अध्यापक शिक्षण संस्थान को 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षण डिप्लोमा डीएलएड कोर्स 2019 में शामिल करने हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु प्रदर्शित किया गया है। उक्त संस्थान को प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित करने हेतु निम्नानुसार काउंसलिंग कैलेंडर जारी किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको डेट बता दी थी। अब तक जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए संस्थान आवंटन पश्चात प्रवेश नहीं मिला है, तो ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग लेने के इसके हकदार नहीं होंगे। जो अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के जरिए संस्थान में आवंटन के लिए दोस्तों को जो पहले चॉइस कर दिया था, उनको अब यहाँ पर किसी प्रकार का आवंटन नहीं होगा। जिनको कॉलेज मिल गई है, जिनको कॉलेज नहीं मिली है, वो यहाँ पर अब आप एक बार जरूर इन कॉलेजों को फिल कर दीजिएगा। जालौर के कोई अभ्यर्थी है तो इस कॉलेज को जरूर चूज कीजिएगा, कोइड कॉलेज है। अलवर वाले अभ्यर्थी भी इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं, भरतपुर वाले भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर नोट लिखा है उपयुक्त अध्यापक शिक्षण संस्थान में से जिन संस्थानों के संस्थान प्रोफाइल अपडेट नहीं है, वो संबंधित डाइट से अपने ऑनलाइन आईडी पासवर्ड तत्काल उपयोग की है संस्थान के लिए। दोस्तों आपके लिए अपडेट नहीं है, यहाँ पर कैलेंडर आप देख सकते हो। अधिकृत वेबसाइट है www.bst2019.org, जहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो। 14 तारीख इसकी लास्ट डेट है और 3,000 जो कि आपका भुगतान है वो यहाँ पर 15 तारीख लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पर एक विशेष नोट दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में पंजीकृत शुल्क राशि 3,000 जमा करवा चुके हैं, उन्हें नए सिरे से पंजीकृत नहीं करवाना है, वे अपने विकल्प में संशोधन कर सकते हैं। तथा जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में पंजीकरण नहीं करवाया है, 3,000 की शुल्क राशि अदा कर दी है पंजीकरण के लिए, तो ऑनलाइन दोस्तों उनके विकल्प दे सकते हो। यहाँ पर एक बार नोट को फिर पढ़ लीजिए, अब तक जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए संस्थान आवंटन पश्चात प्रवेश मिल चुका है, वो अभ्यर्थी इसके हकदार है, लेकिन पहले जिन्होंने काउंसलिंग में भाग लिया था वो यहाँ पर फिर से काउंसलिंग में भाग ले सकता है। जिन्होंने 3,000 डिपॉजिट करा दी थी, उनको यहाँ पर 3,000 राशि डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके हर कमेंट का रिप्लाई के माध्यम से डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। जितने भी कमेंट आएंगे कल के मॉर्निंग के वीडियो के अंतर्गत सारे कमेंट को मैं लेकर एक नया वीडियो बना दूंगा, सारे डाउट वहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाय।